देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर काला ढुंगी से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्षेत्र में लगाया किसान मेला। आपको बताते चलें, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ब्लॉक कोटाबाग अंतर्गत बड़ौदा किसान पखवाड़े के उपलक्ष्य में यहां शिव मंदिर स्थित में आयोजित किसान मेले का शुभारंभ मुख्य प्रबंधक दीप दत्ताराय ने किया। इस मौके गोष्ठी को ऑनलाइन बीबीसी मुंबई से महाप्रबंधक एमवी मुरलीकृष्ण ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बैंक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कमोल, कोटाबाग, रामनगर, हल्द्वानी, चोरगलिया, कुंवरपुर, लोहाटी से आए हुए बैंक के सहायक प्रबंधकों ने कहा कि शाखा की ओर से समृद्ध किसान समृद्ध भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शिविर लगाकर जरूरतमंद किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां से 2 दर्जन किसानों ने कृषि ऋण के लिए आवेदन किए थे, जिनमें से लगभग सभी किसानों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। शिविर में उन्हें 177 करोड़ के ऋण बांटे गए। इस मौके पर बैंक के शिविर में बुधवार को यहां स्थित शिव मंदिर में आयोजित किसान मेले में 2 दर्जन से अधिक किसानों को 177 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए। इस अवसर पर ग्राहकों को बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर ऋण, गोल्डन लोन, गृह ऋण, मुद्रा ऋण, वाहन ऋण योजनाओं के अंतर्गत 177 करोड़ रुपयों के ऋण संवितरित किए गए। साथ ही ग्राहकों को बैंक की विभिन्न जमा ऋण सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, ये सुविधा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से नगर क्षेत्र में आयोजित किसान मेले का शुभारंभ प्रमुख विपिन चंद्र ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बैंक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान मुख्य प्रबंधक दत्त राय, महाप्रबंधक एमवी मुरलीकृष्ण, राजीव कुमार गौतम, दलीप कुमार, विपिन आर मौजूद रहे। आप देख रहे हैं काला ढूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये जो लोन मेला आयोजित किया गया है, ये बड़ौदा किसान पखवाड़े के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलता है और इसका समापन 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में हो जाता है। तो आज के इस मेले में कुल 8 शाखाओं ने हमारी प्रतिभाग किया है, जो सारी ग्रामीण अंचल की शाखाएं हैं। इस किसान मेला में कुल 1,77,00,000 के ऋण वितरित किए गए हैं, कृषि ऋण, जिनमें ट्रैक्टर ऋण, BKCC, कृषि गोल्ड लोन, तत्काल ऋण, कृषि चारपहिया ऋण, ये सारे ऋण, कार लोन टू फार्मर, ये सारे सम्मिलित हैं। तो मिलाकर कुल हमने 40 से 45 कृषकों को ये लाभान्वित हुए हैं, ये कृषक यहाँ पे, और इनको ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जो कि आने वाले 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर वितरित हो जाएंगे। सामाजिक दूरी का पूर्णतः पालन किया। आज बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से विभिन्न जो जोनों में, विभिन्न अंचलों में जो है किसान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें किसानों को सम्मानित किया जा रहा है और उनको कृषि से संबंधित ऋणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन हमारे JP राय दत्ता जो है चीफ प्रमुख ने विस्तार से बताया है। साथ ही साथ हमारे उप महा प्रबंधक ITSOL के श्री मीणा जी ने भी किसानों को यहाँ पर संबोधित किया है। क्षेत्रीय प्रबंधक हल्द्वानी रीजन के श्री विपिन कुमार आर्या जी ने और प्राथमिकता क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबंधक रीजनल ऑफिस हल्द्वानी के श्री दिलीप कुमार दास जी ने किसानों को विस्तार से बताया, क्योंकि ये बैंक का है कि किसानों को जो है बहुत ज़्यादा ऋण जो है कृषि क्षेत्र में जो है ज़्यादा संभावनाएं हैं ऋण देने के लिए, इसलिए बैंक ने ये फोकस किया है कि बैंक जो है वो कृषि ऋणों को कृषि किसानों को सस्ती सुविधा और सरकार की स्कीमों के बारे में रोल दे के उनको जो है आगे बढ़ाए।